नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि 33 हेडमास्टर्स को उनके पद से हटा दिया जाएगा। जी हां, फौजी सर्टिफिकेट के जरिए प्रोन्नति पाने वाले जिले के 33 हेडमास्टर पर यह गाजगिरी है और आज भी स्कूलों में उसी पद पर वो नौकरी कर रहे हैं। कई महीने पहले ही इनकी डिग्री अमान्य साबित हो चुकी है। वह काफ़ी लंबे समय से खींचा चला आ रहा है और इसके खींच जाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर विभाग ने अभी तक इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? अब जाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बुधवार को कहा है कि एक सप्ताह के अंदर इन सभी हेडमास्टरों को हटा दिया जाएगा। बता दें कि 2000 के अंत में कुछ हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत मिली थी और वो लोग फर्जी पाए गए थे, यानी कि उनके पास फर्जी डिग्री थी और उसी के आधार पर हेडमास्टर बनकर नौकरी कर रहे थे। इसके बाद शिकायत के आधार पर इस मामले की जाँच की गई और यह शिकायत सही मिली। जाँच में यह सब कुछ पता चला कि जो भी शिकायतें हैं वो बिल्कुल सही है, सत्य है। इसके बाद इन हेडमास्टर को उनका पद रखने को कहा गया था, पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। कुछ लोगों ने गलत तरीके से रखा और सही साबित नहीं हो पाए। गौरतलब हो कि 2015 में ही जिले के करीब 200 शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई। इनमें से 33 टीचर की डिग्री पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। इन शिक्षकों ने दूसरे राज्यों के बिहार स्थित केंद्रों से पीजी कर उसकी गलत जानकारी विभाग को दी और उसका फायदा उठाया और इन हेडमास्टर की डिग्री सही नहीं है। दरअसल सरकारी सेवा में कार्य करते हुए बिहार राज्य के अंदर रहते हुए उन संस्थानों के फ्रेंचाइजी द्वारा दूरस्थ शिक्षा के जरिए से, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के जरिए से, राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है और इसे UGC मान्यता नहीं देता है। बता दें कि 2018 में भी इसी तरह से एक प्रोन्नति का मामला सामने आया था, तब शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गई थी। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शेखर गुप्ता ने DM को शिकायत दी थी और इन शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? इस प्रकार तत्कालीन DPO संजय कुमार ने UGC के नियम का हवाला देते हुए इसे गलत बताया और उस दौरान उन्हें प्रोन्नति नहीं मिली। वहीं भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा रिपोर्ट मांगी गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है, इस कारण यह टलता जा रहा था। एक सप्ताह से इस पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर इनको पद से हटा दिया जाएगा और इन लोगों को प्रोन्नति तो मिली थी लेकिन वित्तीय लाभ नहीं मिला था, इसलिए इनसे वेतन की वसूली भी नहीं की जाएगी। तो ये अपडेट है कि 33 हेडमास्टर पर गाजगिरी है और उन्होंने जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया जो कि UGC के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो इसीलिए उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।